النذير والسراج المنير مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلاة محمد हज़रा से दमा से एक मरतबा सूरह हम तीन मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फरमा कर अहले भिवंडी भिवंडी के जितने भी मरहूमी न मरहूमात हैं उन सब की अरवाह को इशारा फरमाएं। मिलजुल कर एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद। हज़रात इकराम क़द्र कल के शब की मजलिस में हमने तवस्सुल के हवाले से चंद बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश की थी। अपनी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उसी में कुछ बातों को और जोड़कर इस मौजू को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा कि परवरदिगार आलम के यहाँ हर इंसान की रसाई उस वक्त मुमकिन है कि जब वह इंसान ऐसी चीज़ को या ऐसी हस्ती को वास्ता बनाए जो अल्लाह की निगाह में साहिब कमाल हो। आज हमारी इस छोटी सी दुनिया में जब हम अपना कोई बड़ा काम इदारती काम करवाना चाहते हैं, अगर म्यूनसिपल्टी में कोई काम हो या बैंक का कोई काम हो या दवाखाने का कोई काम हो तो हम फिर ऐसे शख्स को तलाश करते हैं कि जिसकी पहुंच उसके वहाँ के ऊँचे ऑफिसर तक हो। तब क्यों ऐसा नहीं है कि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है? अपने आप पर भरोसा तो है, लेकिन हमने रोज़े अव्वल से देखा कि जब आदम जैसे नबी की तौबा बग़ैर किसी के वास्ते के अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुंची, तो फिर हम तो एक गुनहगार बंदे हैं, मासूम तो नहीं हैं, तो फिर हमें भी कोई ऐसा मजबूत सहारा पकड़ना पड़ेगा कि जिसके ज़रिए से हम अपनी बात को खुदावंद आलम की बारगाह तक पहुँचाएँ। और ये सीरत और सुन्नत आदम ही तक महदूद न रही, ये सिलसिला जनाब नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंचा कि जब कश्ती बन चुकी और तूफान नूह आ गया, आसमान से जितनी बारिश हो रही थी ज़मीन से भी उतना ही पानी उबल रहा था, यहाँ तक के ऐसा तूफान आया कि इतनी बड़ी कश्ती उस ज़माने में उस तूफ़ान के सामने टिक नहीं पा रही थी, हिचकोले लेने लगी, यहाँ तक के जनाब नूह अलैहिस्सलाम घबराने लगे। एक मरतबा दिल में जब खौफ पैदा हुआ
तो आवाज आई, नूह आप फना फना चीज का तस्करा 1000 बार करिए तो आपकी ये कश्ती जो हिचकोले ले रही है, डगमगा रही है, डूबने का खौफ है, तो जब 1000 मरतबा आप नाम लेंगे तो ये कश्ती डगमगाना बंद हो जाएगी, ये लरजना बंद हो जाएगी, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पानी पर चलेगी। तो अब जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने सोचा 1000 मरतबा नाम लेने में भी तो वक्त है, लेकिन इतनी देर तक कैसे संभाला जाए। तो जनाबे नूह ने एक मरतबा बारगाह-ए अहदियत में आवाज दिया, ए मेरे परवरदिगार, 100 मरतबा 1000 मरतबा तो उन लोगों के लिए है कि जो तेरे खास बंदे नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस वक्त मेरे दिल की कैफियत क्या है और मेरी क्या बात, मेरे साथ साथ जो लोग इस गस्सी पर सवार हुए हैं सब मुझसे कह रहे हैं, नूह हम तो जमीन ही पर ठीक थे, मरना था तो वहीं मर जाते, कश्ती पर आकर भी मर ही जाएंगे, तो फिर फायदा क्या है। जनाबे नूह ने आवाज दिया, मेरे अल्लाह, मैं फला मैं या सत्तारो या जब्बारो का विर्द मैंने 1000 मरतबा की नियत से किया। अब गौर करें, कहा 1 मरतबा, ऐ नजात देने वाले, ऐ नजात देने वाले मुझे नजात अता कर दे, इस नियत से कहा कि मैंने 1000 मरतबा कहा, यानी अभी 1000 कहने का वक्त नहीं है, सिर्फ नियत 1000 की है। तो उस दिन से परवरदिगार ने कहा, नूह ये सिर्फ तुम्हारी बात नहीं है, मेरे बंदों में जो नेक बंदे होंगे, मुझ पर ईमान रखते होंगे, अगर कोई नेकी का इरादा करेंगे तब भी सवाब अता करूंगा, नेकी करने के बाद और भी सवाब में इजाफा करूंगा। सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। देखे अल्लाह की रहमत किस कदर वसी है कि जनाब नूह ने पंजतन पाक के नाम को दोहराया और कहा ये नाम मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, ये 5 नाम को लेकर जनाब नूह ने कहा, इसको मैं इस नियत से कह रहा हूँ गोया के मैं 1000 मरतबा पढ़ रहा हूँ। तो वो कश्ती जैसे ही पंजतन का नाम आया, कश्ती हिलना बंद हो गई, कश्ती लरजना बंद हो गई और नूह को नजात मिल गई। उसके बाद यही सिलसिला और आगे बढ़ा, जनाब इब्राहिम तक पहुँचा। अब जो जनाब इब्राहिम तक पहुँचा, नारे नमरूद है, भड़कते हुए शोले हैं, मिंजनीक पर बैठा दिया गया और मिंजनीक, देखें जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इम्तिहान ये नहीं था कि मुशरिक बादशाह काफिर बादशाह उसके हाथों में गिरफ्तार हो गए या आग में डाले जा रहे हैं। आग में डाला जाना ये भी इम्तिहान इब्राहिम का नहीं था, गिरफ्तार हो जाना ये भी इब्राहिम का इम्तिहान नहीं था। इब्राहिम का असल इम्तिहान तो जिब्राइल ने हवा पर लिया, यहाँ बादशाह इम्तिहान नहीं ले रहा था, इब्राहिम का इम्तिहान जिब्राइल ने लिया। और एक मर्तबा जब हवा की दोष पर मिंजनीक से फेंक दिए गए, अब इब्राहिम किसी के सहारे पर नहीं है, न जमीन पर है न आसमान पर है, हवाओं के दोष पर है, और नीचे आग है, उधर बादशाह है उसका लश्कर है, और जिधर फेंका गया है उधर आग है, बीच में इब्राहिम है, वहां जिब्राइल आए, आकर आवाज देते हैं, ऐ अल्लाह के नबी आपको कोई हाजत है। इब्राहिम का असल इम्तिहान ये सवाल था कि इब्राहिम जैसे खलील खुदा का जहन इस हालत में भी काम कर रहा है या नहीं, कि जब इंसान, वो बच्चे या वो लोग बेहतर बता सकते हैं
कि जो लोग इस ज़माने में बिजली का झूला झूले हुए हैं और आजकल न जाने कितने बड़े बड़े और ख़तरनाक झूले देखने में मिलते हैं, ऊपर जाने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब वो झूला ऊपर से नीचे आता है तो दिल की कैफियत की हालत क्या है, इंसान की हालत गैर होती है। तो अब इब्राहिम जो ऊपर तो चले गए और ऊपर से नीचे की तरफ मायल हुए, ऊपर से उस हालत में जिब्राइल का ये सवाल कि हुजूर कुछ चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो एक मर्तबा इब्राहिम भी बंदा खुदा का था, फौरन आवाज दिया जिब्राइल मुझे जिससे मदद दरकार है वो मेरी दिल की हालत से बेहतर वाकिफ है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो मेरी हालत को जानता है। अब जब ये कह दिया तो अब जब इब्राहिम अब नीचे की तरफ आग की तरफ आने लगे तो हुक्म खुदा हुआ इब्राहिम उन्हीं लागों को गिनना शुरू करो जिनके तालीम तुम्हें दिया गया। इब्राहिम ने पंजतन के नाम लिया, इधर हुसैन कहा है, उधर आग पर आ गए। जब हुसैन कहकर आग पे पहुंचे तो कुरान ने एक जुमला लिखा कि हुक्म खुदा आग को हुआ या नारो कूनी बर्दं व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग तू इब्राहिम पर गुलजार हो जा, इब्राहिम पर ठंडी हो जा। तो पंजने पाक के वसीले से आग जैसी चीज भी गुलजार हो जाती। अब सवाल यह है कि क्या इब्राहिम के लिए सिर्फ गुलजार होगी आग? नबी होना जरूरी है का नहीं? इताअत शर्त है, अपने आका की इताअत होनी चाहिए। यहाँ बारहा इस यहाँ मस्जिदों में मजलिस में पढ़ा जाता है जनाबे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द का वाकया है। हारून मक्की का वाकया अक्सर लोग सुने हुए हैं कि जब इमाम ने उनसे कहा हारून इस तनूर में कूद जाओ, इस आग में उतर जाओ, तो वहां बहस नहीं किया हारून ने, वहां आग में उतर गए। हारून मक्की तो कोई इमाम तो नहीं थे ना, कोई नबी भी नहीं थे, लेकिन जब आग में तंदूर में गए हैं तो उनके लिए भी आग वैसे ही गुलजार हो गई जैसे इब्राहिम के लिए हुई थी। क्यों? इसलिए कि इब्राहिम भी अपने आका खुदा की इताअत कर रहे थे, यहां हारून भी अपने आका की इताअत कर रहे हैं। इताअत अगर आका की सही माने में हो तो आग के ठंडी होने के लिए नबी या इमाम होना जरूरी नहीं है, बल्कि साले और बेहतर बंदा होना जरूरी है। अब गौर करें आज़ाने गिरामी, मैंने जिस आयत की तिलावत की है वहां भी एक तवस्सुल है, एक जरिया है, जहां इरशाद हुआ वज़न्नून इज़्ज़हबा मुगाज़िबन फज़न्ना लन नक़दर अलैह, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम वो अपनी कौम से इतने नाराज हो गए कि कौम को बात समझाते हैं समझती नहीं है, खुदा की तरफ हिदायत कर रहे हैं वो मानती नहीं है, तो बहुत गुस्सा हो गए, यहां तक कि अपने कौम से गुस्सा होकर निकल पड़े और कहा वहां से हिजरत करके कहीं दूर चले जाएंगे। नदी में पहुंचे, कश्ती में पहुंचे, कश्ती में एक वाकया रूनुमा हुआ कि कश्ती जब वहां हिचकोले लेने लगी, जो लोग कश्ती में मौजूद थे कहा किसी एक की कुर्बानी, यानी इस जमाने के हिसाब से अगर कहा जाए किसी की एक की बलि चढ़ा दो तो कश्ती बच जाएगी, तो कोई और न मिला, लोगों ने सबने मिलकर यूनुस को डाल दिया नदी में। अब जो यूनुस अलैहिस्सलाम को फेंक दिया अब वो डूबने लगे, यहाँ तक के आप वाकया जानते हैं, मछली आई
उसने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में दाखिल कर लिया। अब जब उस अंधेरे पेट में पहुंचे हैं, ये इम्तिहान है जनाबे यूनुस का कि कौम से आजिज हो जाए तो फिर नबी कैसा। कौम से बेजार हो गए थे, वहां से गुस्से में निकले, लेकिन गुस्से में निकलने का नतीजा ये हुआ कि मछली ने अपने पेट में समा लिया। अब जो पेट में गए हैं तो कुरान के जुमले हैं, वज़न्नून इज़्ज़हबा मुगादिबन, वो जब गुस्से में निकले हैं, फज़न्ना लन नक़दिर अलैह, तब उन्हें एहसास हुआ कि हमारे पास तो कोई ताकत है ही नहीं, हम गुस्सा होकर निकल तो गए लेकिन मेरे पास कुदरत नहीं है कि अपने को इस पेट से नजात दे सके। तो उस वक्त जब एहसास हुआ तब अल्लाह की बारगाह में आवाज दी, परवरदिगार फस्तजबना लहू वनजैनाहू। अल्लाह ने कहा जब इब्राहिम, जब यूनुस ने पुकारा, तब अल्लाह कह रहा है कि मैंने उस पुकारने को सुना और यूनुस को नजात अता की। किसके नतीजे में? जब यूनुस ने जब पुकारा है, किसके नाम को पुकारा? पंजतन पाक के नाम का हवाला दिया। तो आप तारीख में जहां जहां भी आप देखेंगे, बगैर पंजतन पाक के हवाले के नबियों को भी नजात नहीं मिली है, तो हम जैसे गुनाहगारों को पंजतन के बगैर कैसे नजात मिल सकती है? सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। हमने जो रात में जो मजलिस में हमने अर्ज किया था कि लोग कहते सिर्फ डायरेक्ट खुदा को पुकार लो, सीधे तरीके से या अल्लाह मेरी मदद कर, तो यकीन जानिए कि सिर्फ डायरेक्ट हर जगह पर खुदा को, आप अगर कुएं में गिर गए हों और रस्सी के ज़रिए से अगर ऊपर भी आना चाह रहे हों, तब भी सिर्फ रस्सी भी सिर्फ काफ़ी नहीं है। ऊपर या तो रस्सी को कोई बांधने वाला चाहिए या रस्सी पकड़ने वाला चाहिए। सिर्फ खालिस रस्सी भी आपकी मदद नहीं कर सकती। आप जो कहते हैं, हवाला देते हैं कुरान की आयतों का कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को जब मजबूती से पकड़ लोगे तो नजात पा जाओगे, तो सवाल यह है कि या तो अल्लाह ने उस रस्सी को पकड़ा हुआ हो, या तो किसी ऐसी हस्तियों को पैदा किया है कि उस रस्सी को उनके हाथों में छोड़ दिया कि, लेकिन जब उनके हाथों में छोड़ दिया है तो उनकी जात का सहारा लेना तो पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सोचे कि हम डायरेक्ट खुदा तक पहुंच जाएंगे, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि हम डायरेक्ट खुदा तक पहुंच जाएंगे तो ये मुमकिन नहीं है, इनका सहारा लेना पड़ेगा। और अज़ीज़ान गिरामी, फिर उनकी एक बात ये भी है कि मुर्दों से क्यों मांगना। बहुत से लोगों को नींद आ रही है तो उसकी बेदारी के लिए भी उसका इलाज भी है। मेरा एक सवाल भी मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चूँकि ये बात सब पर वाज़े है कि मैं आधे घंटा 35 मिनट को पढ़ता हूँ, उससे ज़्यादा पढ़ता भी नहीं, अपने पास उतना हौसला भी नहीं है। मुहर्रम में पढ़ते हैं मजलिस, है ना, उस वक्त मुहर्रम आता ही इसीलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम पहुँचाया जाए। लेकिन बकिया इस साले सवाब मजलिसें जो हैं आधा घंटा 35 मिनट, और जुमे का दिन है बहरहाल, तो लिहाजा बस ज़्यादा वक्त नहीं, थोड़ी तवज्जो कर लें अज़ान गिरामी, इसलिए कि मैं उन बातों को अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि जिसका सामना आप हजरात का होता ही होगा। इसलिए कि आप लोग जहाँ काम करते हैं, कारखाने में काम करते हैं या बाज़ारों में रहते हैं, दुकानें हैं आपकी, वहाँ पर तरह तरह से लोग आते हैं हिदायत करने के लिए, हुजूर आइए दीन की बातें कर लेंगे, तो लिहाजा ऐसे दीन की बातें करने वालों के लिए भी आपके पास कुछ मैटर होना चाहिए, कुछ जवाब होना चाहिए, वरना वो एतराज़ करता चला जाएगा कहा आपके मौलवी आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। लिहाजा उसका जवाब भी आपके पास होना चाहिए। सवाल यह है कि जिंदों से मांगो, मुर्दों से क्या मांगना।
मुर्दे सुनते नहीं हैं, मुर्दों को कोई खबर नहीं है, यहाँ तक के वो कहते हैं रसूलुल्लाह से भी क्यों मांगना, जिंदा से मदद मांगो, मुर्दों से मदद कैसे मुमकिन है, मुर्दा सुनता नहीं है। तो उनको पकड़िए और लेकर जाइए कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान पर लेके जाने के बाद वो वहाँ हर कब्रिस्तान में एक बोर्ड लगा रहता है अहले कबूर पर सलाम पढ़ने का, चाहे हमारा कब्रिस्तान हो या किसी का भी हो, हर कब्रिस्तान में बोर्ड लगा हुआ है कि सलाम पढ़िए जब कब्रिस्तान में दाखिल होइए, मुर्दों को सलाम करिए। अरे भाई ये तो फालतू सलाम है ना, जब मुर्दा सुनता नहीं है तो सलाम करके फायदा क्या है। आप बोर्ड लगा कर रखे हैं कि मुर्दों को सलाम करिए, अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर, ऐ कब्र में सोने वालों तुम पर सलाम हो, तो फिर क्या बात है। उसके बाद अपने नमाज की भी तो इस्लाह करना पड़ेगा कि हर नमाज में, चाहे तशहुद हर जगह पर मौजूद है, उनके यहाँ भी तशहुद है, हमारे यहाँ भी तशहुद है, उनके यहाँ भी तशहुद में वही पढ़ा जाता है जो हमारे यहाँ पढ़ा जाता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। उसके बाद जब सलाम करते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुह, जब नबी सुनता ही नहीं है तो नबी को सलाम क्यों कर रहे हो। जब नबी सुन ही नहीं रहा है, अगर नबी अपने फायदे की चीज सलाम सुन सकता है तो तुम्हारे फायदे की चीज में तुम सुन ही सकता है। ये कौन सी बात है, नबी नहीं सुन सकता जबकि कुरान मजीद ने वाज़े तौर पर ऐलान किया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए दुनिया से चले जाएं उन्हें कभी भी मुर्दा न समझो, हरगिज़ हरगिज़ उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वो जिंदा भी हैं, बल अहयाउन, वो लोग जिंदा हैं और अल्लाह की तरफ से रिज्क भी पा रहे हैं। अल्लाह की तरफ से रिज्क कैसे पाते हैं ये भी वाज़े होना चाहिए, अल्लाह की तरफ से रिज्क पाते हैं। अब पूछिए मौलाना साहब वहाँ पर भी जाना है तो खाना पीना है, भाई कब्र में हिसाब किताब है, लेकिन यहाँ कुरान कह रहा है अल्लाह की तरफ रिज्क पाते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से जो रिस्क पा रहे हैं वो कैसा रिस्क है। जब मरहूम होकर कोई दुनिया से चला जाता है तो हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम मजलिसें कराते हैं, इन मजलिसों का तमाम चीज़ों का सवाब जब हम क्या कह के भेजते हैं, परवरदिगार इन सूरों का सवाब जो कुछ भी सूरह का सवाब है फ़ला इब्ने फ़ला को मैं पहुंचाता हूं, ईसाल करता हूं, अगर इमाम और नबी हैं तो उनको हदिया करता हूं, अपने मरहूमीन हों तो उनको ईसाल सवाब करता हूं, उन तक पहुंचा दे, तो अल्लाह की बारगाह में हम ये सूरा पढ़कर भेजते हैं और अल्लाह इसे मुर्दों की रोज़ी बनाकर उन्हें अता कर देता है। और वो रोज़ी क्या होती है, वो रोज़ी ये होती है कि वहाँ के सफ़र में जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही सूरे वैसी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। किसी को सफ़र में नेकियाँ कमज़ोर, दुनिया में रहकर नेकियाँ कम की थी, लिहाजा बैसाखी के पर चल रहा है, एक लंबे दरिया को पार करना है, बरज़ख का लंबा सफ़र है, आदम से सफ़र चल रहा है, आज भी बरज़ख है, आज से मरने वाला जब मर गया तो क़यामत तक के सफ़र में जो बरज़ख का सफ़र है, तो इतने लंबे सफ़र में कोई सहारा तो चाहिए, न जाने कितने आग के दरिया होंगे, न जाने कितने कितने कीड़े मकोड़े होंगे, उन तमाम परेशानियों से बचने के लिए तो आपके पास बेलचा होना चाहिए, आपके पास कुल्हाड़ी होना चाहिए, आपके पास दूसरी और चीज़ें होनी चाहिए। तो जब हम कोई सवाब पहुंचाते हैं तो उस मुर्दे को जैसी ज़रूरत होती है वो वैसी चीज़ का रुख इख्तियार कर लेता है। अरे हम तो अहले इस्लाम हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, ज़माने जाहिलियत में रसूलुल्लाह के ज़माने से पहले जो अरब का दस्तूर था, जब
किसी पैसे वाले के घराने का कोई मरता था तो वो अपने मरहूम के कब्र के बगल में एक गढ़ा खोदते थे, उस गढ़ा को खोदने के बाद उसमें ऊंट उतार देते थे, ऊंट उतार देते थे। क्यों उतारते थे? अब वो ऊंट को कुछ डालते नहीं थे, घास पत्ता उत्ता कुछ नहीं, बस तंदुरुस्त ऊंट डाल दिया। कि ये भी मर गया, कुछ दिन के बाद ये भी मर जाएगा। कब मैं ये ऊँट इसलिए डाल रहा हूँ ताकि जब मेरा मुर्दा उठाया जाएगा महशर में तो वो इस ऊँट पर बैठ कर आएगा। गौर कर रहे, ये तो ज़माने जाहिलियत में उनकी फिक्र थी कि जब वो जाहिल होने के बाद भी अपने मुर्दों के लिए इतना सोचते थे, हम तो कलमा पढ़ने वाले हैं, अपने मुर्दों की कितनी फिक्र करनी चाहिए। सलावत है मोहम्मद। हमें भी अपने मरहूमीन की, ये वो काबू पाने का। अज़ाने ग्रामी, जब इंसान इस कदर दीन इस्लाम के मामले में, अहले बैत की अजमत के मामले में वो बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, अंधा हो जाता है, तो कुरान भी मुहर लगाने के लिए आगे बढ़ता है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। ये लोग गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं और इनके पास अक्ल भी नहीं है कि जो अहले बैत को अपने जैसा तसव्वुर करते हैं और सोचते हैं कि जिस तरह हम सुनते हैं वो भी ऐसा ही सुनते होंगे, जिस तरह हम देखते हैं वो भी ऐसा ही देखते होंगे, जिस तरह हम कहते हैं उस तरह वो भी ऐसे ही बोलते होंगे। नहीं जानते कि जब अहले बैत बोलते हैं तो उस पर कुरान मजीद का सहारा होता है, अल्लाह का पहरा होता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की अजमत इतनी ज़्यादा है, उन्होंने उनको वो मकाम नहीं दिया जो मकाम उनका अहले बैत का है। यही वजह थी अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर वो वक्त आया कि इमाम कह रहे हैं मैदाने कारजार पे खड़े होकर, क्या तुम हमें नहीं जानते हो, क्या तुम हमें नहीं पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? अना हुसैन इब्न अली, मैं हुसैन इब्न अली हूँ, मेरे नाना का नाम रसूल मोहम्मद अरबी है जिनका तुम कलमा पढ़ते हो। सारा तारुफ करवा दिया, लेकिन अजीज़ान गिरामी इमाम ने ये भी बतला दिया कि कुरान मजीद ने जो कहा है ये लोग गूंगे हैं, बहरे हैं और अंधे हैं, यकीनन हुसैन को देख भी नहीं पा रहे थे, हुसैन को पहचान भी नहीं पा रहे थे, हुसैन को समझ भी नहीं पा रहे थे। करबला में जितने लोग हुसैन के खिलाफ खड़े थे सबके कानों पर, आँखों पर, दिलों पर मोहर लगी हुई थी और अल्लाह ने ऐलान किया फी कुलूबिहिम मरज़ुन फज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह इनकी बीमारियों को और बढ़ा देगा। यही वजह थी कि हुसैन पहचानवाते रहे, हुसैन को किसी ने न पहचाना। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी वो वक्त भी आया इमाम मज़लूम करबला ने हलमिन की सदा के बाद जब कोई मदद को आया, मदद को न पहुंचा, तो एक मर्तबा खैमे में गए, कोहराम की आवाज़ सुनी, बीवियाँ रो रही हैं। एक मर्तबा खैमे के करीब जाकर कहते हैं ए बहन ज़ैनब, ये रोना कैसा है? आवाज़ देती है भैया हाथों
भी वो भी गिर गया। वो मेरे साथ आवाज देता है, ए हुरमुला, अरे तुझे क्या हो गया है? तू तो एक ही मर्तबा में किसी का भी काम तमाम कर सकता है, एक बच्चे को नहीं मार सकता। आवाज देता है, ए बेचारे साथ, अरे मैं क्या करूं? जब जब मैं तीर लगाता हूं, कभी रसूलुल्लाह जाते हैं, ए हुरमुला, अरे असगर ने क्या बिगाड़ा है? कभी अली मुर्तजा जाते हैं, ए हुरमुला, मेरे असगर को छोड़ दे। ये तो फकत 6 महीने का है, हुरमुला ने तीर को जोड़ा, अब जो रवाना किया, असगर का गला छेदा, हुसैन ने देखा तहरीन का हमारी सबात कबूल फरमा। मेरे अल्लाह के वास्ते अलव तहरीन का हम सब की परेशानियों को दूर फरमा। जो लोग बीमार हैं उन्हें शफाए कामिला और आजला इनायत फरमा। जो बीमारी के तौर पर बलाएँ नाजिल हो रही हैं, बलाएँ घूम रही, परवरदिगार हम सब तमाम मोमिनीन को, मोमिनात को, बच्चों को, हर एक को उन बलाओं से महफूज फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता अलव तहरीन का मौलाना इरफान साहब के भतीजे जो उस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट, परवरदिगार उन्हें बेहतरीन सेहत के साथ, उन्हें बेहतरीन सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उन्हें शफायाब फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता अहले बैत ताहिरीन का कि जहाँ जहाँ भी शान हैदर करा उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जिन मर भिवंडी के मरहूमीन के लिए मजलिस मुनक़िद की गई है, परवरदिगार भिवंडी में जितने भी मरहूमीन में मरहूमात हैं उन सब के दराजात को बुलंद से बुलंद तर फरमा। परवरदिगार तो ये वास्ता अहले ताहिरीन का उन सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा, अहले बैत की मुलाकात इनायत फरमा, अपने आखिरी हुज्जत इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान अंसार में शुमार फरमा।